हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आज हम बात करेंगे इंटेंशनल लिविंग के बारे में। तो क्वेश्चन आता है कि इंटेंशनल लिविंग होती क्या है। तो भाई, इंटेंशनल लिविंग का मतलब है कि आप इंटेंशन के साथ जी रहे हो। तो इंटेंशन के साथ जीने का मतलब कि आपको क्या है, कोई बुरी आदत है, जैसे कि आपको है चाय पीने की आदत, तो आपको क्या करना है, इस आदत को ख़त्म करना है। तो क्या तरीका है, तो आप क्या कर सकते हो, तो भाई सुबह के टाइम उठ के आप लोग ये डिसाइड करो कि आज मैं पूरे दिन जब भी मेरा चाय का मन होगा मैं दूध पीऊँगा या कुछ खा लूँगा उसकी जगह पे। तो इससे क्या होगा, जब भी आपको चाय का मन करेगा, आप बाहर जाओगे, शॉप पे जाओगे, तो आप चाय की जगह कुछ और ले सकते हो। तो आप कुछ और खाओगे तो नेक्स्ट टाइम फिर मन करेगा, फिर कुछ और खाओगे, नेक्स्ट टाइम फिर मन करेगा, फिर कुछ और खाओगे। तो ऐसे करते करते एक दो हफ्ते में आपकी क्या है, चाय की आदत प्रॉपर छूट जाएगी। सेकेंड चीज़ है, सपोज़ कीजिए आपको है सिगरेट की आदत, तो सिमिलरली सिगरेट के साथ कर सकते हैं आप, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कि आप ना अपने मन में एक इंटेंशन लेके आएंगे कि यार जब भी मुझे सिगरेट पीने का मन करेगा मैं सिगरेट की जगह कुछ और पी लूँगा, या कुछ गेम खेल लूँगा, या कुछ और कर लूँगा, कोई भी ऐसा कुछ भी खा लूँगा इसकी जगह पे। तो इससे क्या होगा, आप ना धीरे धीरे जब भी सिगरेट का मन करेगा उसकी जगह कुछ खा सकते हैं, ऐसी चीज़ कि जिसे खा के आपको ऐसा लगे कि यार जो सिगरेट से बेटर हो, इतनी आपको प्यारी हो जितनी की सिगरेट है। तो इससे क्या होगा, जब भी आपका सिगरेट का मन करेगा आप वो चीज़ खा लेना, तो आपका उसका मन भी खत्म हो जाएगा। सेम अल्कोहल का है कि आपको भाई दारू पीने की आदत है, इसको भी आप जुड़ा सकते हैं कि जब भी दारू पीने का मन करे पेट भर के खाना खा लो। उस टाइम पे अपने खाने का रूटीन ये बनाओ कि जब भी दारू का मन करे रात के टाइम उस टाइम पे कुछ खा लिया दबा के, तो जब बहुत सारा खा लोगे तो नींद आ जाएगी, दारू की आदत छूट जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ें हैं कि आपने इंटेंशन के साथ सोचा है कि यार मुझे ये गलत काम छोड़ के इनकी जगह पे ये अच्छे काम कर दे, इनको रिप्लेस कर देना इन काम से, इसको बोलते हैं इंटेंशनल लिविंग। तो आज के टाइम में भाई इंटेंशनल लिविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, वो क्या पढ़ता नहीं है आपका छोटा बच्चा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि जब भी तू पढ़ेगा तो मैं तुझे लिए कुछ खाने का दे दूँगा। तो उसका ना उसका एक इंटेंशन आ जाएगा उस चीज़ में। तो हर चीज़ के साथ ना आपको इंटेंशन जोड़ देना है। तो जब किसी भी ऐसी आदत के साथ जो कि बुरी है और आपको उसको अच्छी आदत के साथ रिप्लेस करना है, तो कोई इंटेंशन जोड़ दो, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे अच्छी आदत से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये हर जगह अप्लाई होता है, किसी भी बुरी आदत को छुटाने के लिए आपको इंटेंशनल लिविंग की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ को रिप्लेस करने की ज़रूरत है किसी दूसरी चीज़ के साथ।